हाय दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं एक्सेल वर्ल्ड की दुनिया में। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ द डे है पाई चार्ट। पाई चार्ट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द पोर्शन ऑफ डेटा विद रेफरेंस टू 100%। तो पाई चार्ट जो है कि हमारा डेटा को जब भी हम 100% में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि कितना पोर्शन ऑफ द सेल हुआ हमारा, तो हम उसके लिए पाई चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाके हम यहाँ पे पाई चार्ट में देख रहे हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, जो कि पहला है पाई, तो हमारा उसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि क्या डेफिनेशन है पहले पाई चार्ट का, वो हम समझ सकते हैं पढ़ के और उसी के अकॉर्डिंगली हम अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड वन जो कि बहुत ही पॉपुलर है आजकल, डोनट चार्ट, तो इसका भी डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ये क्योंकि ये डोनट की तरह दिखता है इसलिए इसका नाम डोनट चार्ट हो गया। तो हम यहाँ पे हम अपना पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर देंगे, करने के बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाके हम चार्ट पे स्क्रोल डाउन करेंगे। स्क्रोल डाउन करने के बाद हम पाई चार्ट पे जाके पहला चार्ट को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कैसा दिख रहा है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पाई चार्ट पूरा 100% के अकॉर्डिंग दिखा रहा है सेल्स ईयर के साथ, जो हमारा क्या प्रोडक्ट हमारे कितना बिका है, कितना पोर्शन में बिका है, ये सारे दिखा रहा है। तो अकॉर्डिंगली हम अपने चार्ट को देख के एनालाइज कर सकते हैं कि वो क्या दिखा रहा है, किस तरीके से दिखा रहा है, कितना ब्यूटीफुल तरीके से दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम चार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम दोबारा से अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, फिर से चार्ट को स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस बार हम सेकेंड चार्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा पाई चार्ट है, जो कि हमारा है डोनट चार्ट। तो ये दिख रहा है हमारा डोनट चार्ट किस तरीके से हमारा डोनट के साथ दिख रहा है। तो हम इसका विड्थ भी बढ़ा सकते हैं अपने डोनट का फॉर्मेट के थ्रू और ये हमारा डोनट चार्ट दिख रहा है किस तरीके से। तो ये दोनों पाई चार्ट डिफरेंट है अपने शेप में, तो अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं कि हमारे चार्ट को कौन सा हमारा डेटा हमारे चार्ट को कौन से अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। तो हम जब भी डबल क्लिक करेंगे अपने चार्ट में, हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेट ऑप्शन ओपन होते हुए, यहाँ पे हम चार्ट का नेम चेंज कर लेंगे, पाई चार्ट अपने नीड के अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। फिर आप स्क्रोल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप अपने फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपका लेजेंड है, लेजेंड जो है नथिंग बट ये सिर्फ टॉपिक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने चार्ट में, जैसे कि हेडर है, हमने सेल्स ईयर और सेल्स वॉल्यूम दे रखा है, वो लेजेंड हो गया, हमने इसको टॉप पे रखा है, मोस्टली लोग टॉप या बॉटम पे रखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे हमारे चार्ट का नेम चेंज हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।